चलो यार निकलते हैं, देखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह हो रही 12:30 बजे, और अभी भाई आज हमारे साथ पता क्या हुआ, सुबह सुबह ना बारिश आ रही थी बहुत तगड़ी वाली, ऐसे लग रहा था जैसे सारा दिन बारिश रहेगी, लेकिन उसके बाद देखो कैसा माहौल हो गया, फिर से धूप आ गई है। और हाँ भाई, ऐसा खुला खाना मत खाया करो, मैं तकरीबन देखता हूँ खुला खाना ना जो ऐसा होता है तो इससे भाई बीमारियाँ चिपकती हैं, स्पेशली रेहड़ी वाले। पता क्यों, जैसे हम यहाँ ऊपर खड़े हैं ना तो ऊपर से कोई भी बच्चा कुछ फेंक दे कुछ पता नहीं चलता। और आपने भाई बहुत सी वीडियो देखी होगी जहाँ पे यार ऐसे मतलब हाथ वगैरह नहीं धोते, एक पक्के ठीक से खाओ जब भी था। तो मैं तो पहली बात तो ये स्पेशली अवॉइड करता हूँ। तो भाई हमारे साथ ये सीन हो गया, सुबह बहुत अच्छा मौसम था, अभी दोबारा बारिश हो गई है और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा तिलक नगर, तो तिलक नगर जा रहा है इसलिए क्योंकि एक तो दवाइयाँ लेके आनी, डब्बू की भी लेके आनी, गली के कुत्तों की भी लेके आनी है, और साथ में आज थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, अभी तक काम वाली नहीं आई सफाई करने वाली, तो थोड़ा बहुत रहेगा इशू। तो ये रखो भाई हमारे घर का हाल कंडीशन देखो, वो बैली जूते चप्पलें रैक बोरा 1000 रुपये का, ये 4 मंजिल का रैक, ठीक है, क्या हमें लूटा था। ओहो हो, ये क्या हो गया, पानी चल नहीं रहा क्या, फ्रिज बंद की हुई थी, चल गया ये भी। तो अब हाँ क्या बदल फट गया, कोई नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जूतों की जगह चप्पल पहन लूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, जूते गीले हो जाएंगे, 3 जोड़ी जूते हैं वो भी गीले हो गए तो क्या फ़ायदा भाई। तो निकलते हैं घर से, तो आज का अपना ब्लॉग यही रहने वाला है, तो साथ में फतेह नगर भी मत्था टेकेंगे। घर से जाने से पहले ना हमें लाइट बंद करनी पड़ती है, और कुछ नहीं भाई। अभी हम आगे नीचे सारी बाइकें लगी हुई हैं, वो बुलेट स्कूटी, ये वाली बाइक मैंने बेचनी है, ये मैं ना गिव अवे दूंगा उनको जो भाई अपना चलाते हैं, क्या कहते हैं ये कह लो डिलीवरी बॉय हो गए, यहाँ हो गए अपना जो डिलीवरी करते हैं खाने की, क्या होता है वो जोमेटो वाले। हाँ भैया कुंडी खोलना यार, खोलो भाई, ये देखो हमें अंदर बंद कर दिया किसने, और कल मैंने बाइक बाहर ही लगा दी थी रात को, तो ये यहीं पे साफ होगी। तो अभी निकलते हैं भैया, आज मैंने माउंट नहीं लगाया भाई, मन नहीं है मेरा आज व्लॉग करने का, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। चलो भाई चलो। एक हाथ से बाइक निकलेगी आज, देखा बुलेट एक हाथ से नहीं निकलती। चलो भाई हम अकेले काफ़ी हैं, कोई इशू नहीं। चढ़ा दे ध्यान से, तूने उस दिन भी फेंका था वो डब्बा याद है ना, आराम से निकला कर भाई। एक बात है, मौसम ठंडा हो गया है, धूप थोड़ी है वो कम है आज, लेकिन हुम्मस सी हो गई है। अभी अपने इलाके से निकलना है, आज वीरवार है या शुक्रवार है, मेरे को तो यही समझ नहीं आती, अभी देखते हैं, अगर बाहर भीड़ हुई तो आज शुक्रवार है नहीं तो वीरवार है, शुक्रवार के दिन ना यहाँ नमाज पढ़ते हैं। ओके आज वीरवार है, नहीं तो यहाँ तो भाई भीड़ बहुत होती है। सो गाइस फिलहाल हम पहुँचे हैं तिलक नगर, और ये हमारा सामने स्कूल है सुखो खालसा, तुम्हारा ही भाई ने यहीं से पढ़ाई की थी 12वीं तक। और यहाँ की ना एक खासियत है, यहाँ पर ना फ्री जल पिलाया जाता है, ये देखो ये टैंकर डेली आता है। और बस आज मैं पहले ना फतेहनगर जा रहा हूँ मत्था टेकने, मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ, मैं आया ही नहीं मत्था टेकने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना यार पहले मत्था टेका जाए। चलो यार निकलते हैं, देखना फिर बोलेगा ये तो मैंने मोड़ ली है, जैसे इसने मेरे को एकदम से कट दिया है ना, तो इसका काम ही था मेरे से सुनने वाला, लेकिन मैंने यार मैं अभी गुरुद्वारे आया हूँ ना, मैंने कहा चलो यार कुछ बोलना नहीं है, चलो यहाँ से हो जाते हैं। आज मेरा मन नहीं था भाई ब्लॉग बनाने का, तो मैंने कहा चलो यार निकल गए ना, आज चेस्ट बेल्ट वगैरह नहीं पहनेंगे क्योंकि एक तो बरसात हो रखी है, और ऊपर बाहर आने में ना थोड़ी हुम्मस सी फील हो रही थी, आराम से बैठा हुआ था मैं घर में AC लगा के, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं। वो मम्मी ने कहा कि डब्बू की दवाई ख़त्म है ना, तो वो लेके आनी है, तो वो लेने आया हूँ मैं मेन। लो जी आगे फतेह नगर, मैं मत्था टेकता हूँ सबसे पहले और बाइक लगाता हूँ कहीं साइड पे, फिर मिलता हूँ आपको। सो
सो गाइस फिलहाल इत्थों तुर पए आपां घर वल नूं, रस्ते समान लवांगे, चलदे आ शॉप दे उत्ते। यार मैनूं लगदा माउंट ना लगाना ही सही है, बिना माउंट तों बड़ी दिक्कत हुंदी है। लेट्स गो गाइस, निकलते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है भाई, सिंगल हैंड भी चला सकता है, बिना हाथ के भी चला सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है, केयरफुली। लो भी आ गया अंकल की दुकान पे, यहाँ से लेते डब्बू की दवाई। भाई उतना खर्चा ना इंसान का नहीं होता जितना कुत्ते का होता है, ये मुझे आज पता चल रहा है। हैं आज नहीं, खैर कोई नहीं, है तो घर का बंदा ही ना वो सदस्य। तो गाइस ये आ गई हमारे डब्बू की दवाई, 5 दिन चलनी है, और ये एयर ड्रॉप है ना जो हफ्ते चलना है, तो ये कह लो कि 1 महीने लगातार ये दवाई चलने वाली है, उसके बाद हमारा कुत्ता सही हो जाएगा। हैं सही हो जाएगा, फिर भाई उसे घुमाने लेके जाएंगे कहीं बाहर। तो चलो यहाँ से निकलते हैं सीधा घर की ओर, बहुत टाइम हो गया यार। चलो डाल के दिखाएंगे तुम्हें कैसे डलवाता है ये कमीना। लेट्स गो गाइस, निकलते हैं यहाँ से सीधा घर के लिए, पुलिस खड़ी है आगे। निकाल भी नहीं सकते ना, पीछे तो पुलिस खड़ी है। यार सबसे बेकार बाइक है ये, प्लस देखो क्या हाल हो गया इसका। फोन लेते हैं ऐसी बाइक, ये 1-2 दिन है, फिर उसके बाद इन्होंने मतलब जल चढ़ा देना। 4 बंदे जा रहे हैं, फिलहाल तुम्हारा भाई निकल गया यहाँ से सीधा घर के लिए। और रास्ते में मैंने अब कुछ नहीं लेना, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आई है, बैंक अकाउंट एकदम बंद हो गया, मतलब वो UPI से अटैच था ना तो डिस्कनेक्ट हो गया। अब घर पे जाऊँगा उसे फिर अटैच करूँगा, मुझे लगता है ये ना नेटवर्क इशू की वजह से है, पेमेंट दे रहा था वो नहीं पा रही थी। तो पहले यहाँ से निकलते सीधा घर के लिए, फिर देखते क्या करते हैं। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि मुझे डेबिट कार्ड से पैसे निकलवा लेने चाहिए। 1, 2, 3, 4 पहले यहाँ ATM देखते हैं, कौन सा कोटक का ATM देखे पहले यहाँ। एक बात है, घर से निकलो ना छोटे छोटे काम बहुत याद आ जाते हैं, पहले तो याद आते नहीं है। हैं जैसे ही बाहर आया अभी ये लेना है वो लेना है, अभी फिर यहाँ से घर जा रहा हूँ, बुल्लू के फ़ोन का रिचार्ज करवाना है, उसके डिश का रिचार्ज करवाना है, ये सब तो लगा ही रहता भाई। ये देखो आंटी आ रही उड़ती हुई। आजकल ना एक ट्रेंड चल गया, लड़की तैयार हो के कोई भी रेड़ी लगाएगी वड़ा पाव की तरह, वो बैठेगी वहाँ बस चल गई जी, अब वो फेमस है। ये पता नहीं क्या यार, लड़के भी तो मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग भाई कितना बढ़िया सामान लगाते हैं लेकिन उनका फिर भी वायरल नहीं होता। अब यहाँ पे मुझे हाथ पकड़ना पड़ेगा। ना 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 भाई, तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है, ऐसे ही निकल जाएगा। लेट्स गो गाइस, निकले यहाँ से। भाई ATM तो मिला नहीं, तो अब यहाँ से सीधा घर ही जा रहा हूँ। मैंने कहा शाम को निकाल लेंगे पैसे, क्योंकि सामान जो लेना था वो तो मैंने सारा ले ही लिया है, अब निकाल के क्या करना, पैसे जेब में पड़े होंगे, खा पी जाऊँगा फिर वही दिक्कत। सो गाइस इसी के साथ तुम्हारा भाई आ गया घर पे, क्या हाल है भैया? और आया नहीं भांजा, नहीं आया अभी नीचे, भांजा आया हुआ है इसका लोग पता नहीं क्या का, पानी की वजह से ना खराब हो गया। तो चलो अभी आ गए घर पे, और डब्बू से पहले मम्मी नींबू तो मिले नहीं, इस टाइम नींबू तो मिले नहीं, दवाई मिली है डब्बू दी, ते फोन आ गया बुल्लू दा, फोन दा रिचार्ज कर दे ओदा, TV दा करवाना। ओके रिमोट ताडा चक्के लागी। अच्छा डब्बू ओए ले देख लो कहां बैठा हुआ है ये, देना कैसे बैठा हुआ है कमीना, जीभ निकाल रहा है। सो फिलहाल तुम्हारा भाई आ गया घर पे, और अभी इसे दवाई खिला देंगे। सो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।